हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे पास 177 है हमारे पास, द ट्रेन है लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आडेश। अभी देखिए हमारे पास, आप इसको समझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पर आपके पास कभी भी आपके पास टू स्ट्रक्चर्स हो एक सेंटेंस में, व्हेन यू हैव टू स्ट्रक्चर्स, तो आपके पास मेथड क्या होना चाहिए। तो अगर आपके पास पहला स्ट्रक्चर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा या प्रेजेंट में। अभी आप कहेंगे सर प्रेजेंट में किस तरह हो सकता है, तो प्रेजेंट में तब हो सकता है जब आपके पास क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो हमारे पास दूसरा पास्ट में होगा, या अगर आपके पास पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। अभी यहां पर देखिए, अगर हम दो पास के बारे में बात करते हैं तो ये दो पास, एक एक्शन पहले होगा एक उसके बाद होगा। हमारे पास इस तरह नहीं है कि हमारे पास दोनों एक्शन एक साथ में हो। तो हमारे पास यहां पर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दिस वन इज प्रेजेंट, इससे पहले आपके पास कोई एक्शन हुआ है, एंड बिफोर दिस वन एक दूसरा एक्शन हुआ है। तो हमारे पास पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास है कि द ट्रेन हैड, और यहां पर लिखा है लेफ्ट द स्टेशन। अभी यहां पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर आपके पास किस में आया, पास्ट परफेक्ट में। तो आपके पास जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास पास इंडेफिनिट में होगा। तो हमारे पास यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर होगा बिफोर आई रीच, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा बिफोर आई रीच होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीच होना चाहिए। यहां पर अगर आप इस तरह लिखे बिफोर आई विल रीच, आपके पास गलत, बिफोर आई रीच आपके पास ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर रीच है, सी नंबर हमारे पास ठीक है। दूसरा हमारे पास है 178। आई विल क्या है हमारे पास, इंटीमेट, सॉरी आई विल इंटीमेट यू इन केस डेश एनी हेल्प फ्रॉम माई पार्ट परटेनिंग एनी इंसिडेंट। अभी ये बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास जब भी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, वेन एवर यू हैव सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ, वेन, वाइल, ऑल्दो, आपके पास इन केस, आपके पास है बिफोर, हमारे पास सिंस एटसेट्रा, कभी भी आपके पास सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो इसके बाद जो टेंस आपके पास होगा, आपके पास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा अगर आप फ्यूचर की तरफ इशारा करना चाहते हैं। अगर आप इफ यू आर परटेनिंग टू फ्यूचर, तो आपके पास इनके बाद हमेशा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास यहां पर है, बार बार आई से दिस वन इज फ्रॉम डी आई खान, तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। अगर मैंने इससे पहले लिख लिया इनकेस शी विल गलत होगा, इफ शी विल गलत होगा, वेन शी विल गलत होगा, तो इनकेस शी ब्रिंग्स, इफ शी ब्रिंग्स, वेन शी ब्रिंग्स, आल्तो शी ब्रिंग्स, तो हमारे पास फिर वेल शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहां पर हमारे पास होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, आई कुडंट रिमेंबर डेश टू मी डेट डे अबाउट ऑल दिस। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यस, देखिए हमारे पास जब भी आपके पास सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और आपने एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम परटेनिंग टू दिस वन, यहां पर मैंने लिखा शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी टुमारो। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर के लिए आपने वेल और शल का इस्तेमाल करना है। एंड इफ यू रिकॉल वी डिस्कस के हमारे पास शल का इस्तेमाल कहां पर होता है,
और वेल का कहां पर? Now I told you about कि I और V के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन I और V का के साथ हम वेल का इस्तेमाल भी करते हैं. And I told you about what determination, threat, प्रॉमिस, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. तो अभी यहां पर देखिए, आमतौर पर जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यू हैव टू यूज वर्ड वेल और शल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर उससे पहले सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गए तो आपने यहां पर इफ लिख लिया तो यहां पर ये नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा. तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है आई कुडंट रिमेंबर डेज टू मी. अभी यहां पर देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, अगर कभी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो तो आखिर में आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, या डब्ल्यू एच से हो तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है. और अगर आपको याद हो हमारी ये डिस्कशन हुई थी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और यहां पर हमारे पास क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हमने डिटेल से डिस्कशन की थी अगर आपको याद हो. अभी यहां पर देखिए अगर आपके पास एक सेंटेंस इस तरह आ जाए, दरमियान में आपके पास डब्ल्यू एच है, तो याद रखिए दरमियान में जब डब्ल्यू एच आ जाए व्हाट व्हेन वेयर व्हाई ये, तो उसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होगी. जिस तरह हमारे पास इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में हमारे पास एंडिंग हमेशा किससे होती है, फुल स्टॉप. दूसरा, इसके बाद हमेशा आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर आपके पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. तो हमारे पास क्या है, हेलो, वो सर वो स्टॉक हो रहा, ओके. तो यहां पर हमारे पास देखे, हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जब भी आपके पास, दोबारा जरा सुन ले, कि अगर आपके पास डब्ल्यू एच से कोई सेंटेंस हो, कीप दिस थिंग इन माइंड, स्टार्ट में और इंट्रोगेटिव हो, यू हैव टू पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन. द सेकेंड पॉइंट, इफ यू हैव डब्ल्यू एच इन द बिगिनिंग एंड यू हैव एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आपके पास जो एंडिंग होगी वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगी. लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पर एक स्टेटमेंट है, दरमियान में डब्ल्यू एच आ जाए और आपकी एंडिंग फुल स्टॉप से होगी और डब्ल्यू एच के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे, तो यहां पर अगर देखे हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ है, कि व्हाट ही सेड होना चाहिए, व्हाट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस आपको लिखवाऊं कि आपको जरा आसान हो, हमारे पास है ही आस्क्ड व्हाट What was I doing? अगर मैं ये लिखता हूं तो ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि ये आपके पास डब्ल्यू एच दरमियान में आया, इसके डायरेक्टली बाद सब्जेक्ट होना चाहिए. हम इसको इस तरह लिखेंगे What I was doing होगा, तो हम तब हमारे पास ठीक हो जाएगा. तो हमारे पास जब भी डब्ल्यू एच स्टार्ट में आए साइन ऑफ इंटरोगेशन, स्टार्ट में आ जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आखिर में आ सकता है, लेकिन अगर दरमियान में आ जाए आपने फुल स्टॉप लगाना है और इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर डैश अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अभी यहां पर ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहां पर क्या होगा. तो हमारे पास यहां पर न्यूज़पेपर्स है, नंबर वन, जब न्यूज़पेपर है तो दिस वन इज प्लूरल, तो यहां पर भी आपके पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारे पास क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा. अभी यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या है, अभी ये बता रहा है कि न्यूज़पेपर डैश अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये काम जब रेगुलर बेसिस पर होता हो, जो आपके पास हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कोई काम आपके पास क्या हो, रेगुलर बेसिस पर हो, आपका कोई हैबिट है, या उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, आपका कोई रूटीन है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि हमारे पास है ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी ये आपके पास क्या है, उसकी रूटीन है या हैबिट है, या फॉर एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस लिखूं, ही गोज टू जिम डेली.
अब ये आपको रूटीन है या हैबिट है, तो हम प्रेजेंट, तो न्यूज़पेपर हमें हर रोज बताता है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर डेश प्रीशियस मेटल्स अमंग्स ऑल इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू. यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स निकलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कभी भी नाउन वन आ जाए, एंड आ जाए और नाउन टू आ जाए. अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों की तरफ इशारा कर रहा है, डिफरेंट अगर सेम हो तो फिर तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब. यहां पर आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल. क्यों प्लूरल है, क्योंकि यहां पर इसके बाद एक लफ्ज जो नाउन लिखा है ना, ये नाउन लिखा है मेटल्स. जब आपके पास लिखा है मेटल्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मेटल्स आपके पास देखिए ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये अलहदा इसके बारे में हम बात करें, इसके लिए अलहदा हम बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास दो नाउन्स हो जिसको कनेक्ट करे एंड, तो आपका वो अब कौन सा होगा, प्लूरल होगा, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर सेकंड, हमारे पास एक और लफ्ज निकला है और वो है हमारे पास अमंगस्ट. एक हमारे पास है अमंग और एक है हमारे पास अमंगस्ट. इसका इस्तेमाल होता है मोर देन टू के लिए, इट इज यूज फॉर मोर देन टू. अभी मोर देन टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या इनडेफिनेट नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर हमारे पास क्या है, अगर यहां पर हम देखें दोनों सेम टू सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें आपके पास क्या है, एक घर है, यहां पर ट्रीज है, अभी हम क्या करेंगे, अभी मोर देन टू है. जब आपके पास मोर देन टू है यू हैव टू यूज अमंग और अमंगस्ट. अगर दो होते तो हमारे पास बिटवीन का लफज होता, बिटवीन का लफज हम इस्तेमाल करते हैं टू के लिए. नाउ इट इज मोर देन टू, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट याद रखे कि अगर आपके पास अमंग होगा तो यहां पर आपके पास क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और यहां पर आपके पास वावल. अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास लिखा क्या है, हमारे पास लिखा है इस तरह, देखें अभी यहां पर जरा देखें ये क्या चीज है, वावल है या कॉन्सोनेंट है, तो क्या हुआ, अगर हमारे पास इस तरह होता, अभी हमारे पास क्या देखें, तो हमारे पास यू हैव टू बी क्लियर केयरफुल अबाउट इट, तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी. देखिए हमारे पास दो के बारे में बात करें ना, अगर मेटल होता तो फिर तो हमारे पास एक के बारे में हम बात करेंगे, अगर मेटल है तो मोर देन टू है, जब मोर देन टू है तो ऑटोमेटिकली द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, आपके पास प्लूरल होगा. नेक्स्ट है स्टडिंग और प्लेइंग डेज बीन एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ लाइफ. देखिए हमारे पास जब आपके पास क्या हो, आपके पास वर्ब आईएनजी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, जिसको हम जेरंड कहते हैं, आपके पास और आया वर्ब आईएनजी एज अ सब्जेक्ट आया, तो आपका जो वर्ब है वो इसके साथ एग्री होगा, और जेरंड वर्ब आईएनजी हमेशा सिंगुलर. आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा बार बार, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना होगा. अभी यहां पर देखे हमारे पास स्मोकिंग वर्ब आईएनजी है, इसको हम ये वर्ब आईएनजी, इसका नाम है जिरण, लेकिन यहां पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, देखिए हमारे पास इज होगा, तो यहां पर भी आपके पास क्या, इज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है ईदर ऑफ द रोड डेश टू द पार्क. हमारे पास जब भी ये अल्फाज आ जाए, ईदर का लफज आ जाए, या आपके पास नीदर हो या आपके पास वन हो, और यहां पर प्रीपोजिशन आ जाए, तो याद रखे नाउन हमेशा आपके पास प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा. नाउ हियर आपके पास क्या होगा, ईच ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट है द अरेबियन नाइट्स डैश इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. अभी यहां पर लिखा है अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन अरेबियन नाइट्स. नाउ अरेबियन नाइट्स आपके पास बेसिकली क्या है, तो याद रखिए ये एक बुक का नाम है, जिस तरह आपका फिजिक्स है, जिस तरह आपकी केमिस्ट्री है, जिस तरह इसी तरह यहां पर देखे हम जब इसको देखते हैं ना नाइट्स को, तो हमारे पास तो प्लूरल है जहन में आता है, लेकिन ये किताब का नाम है,
जिस तरह फिजिक्स के आखिर में एस आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंगुलर है जिसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन डैश गॉन टू लंडन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपके पास कभी नाउन वन आ जाए और आपके पास आ जाए अलोंग विद और आपके पास आ जाए नाउन टू, तो आपका जो वर्ब है ये इस पहले वाले के साथ एग्री होगा। अभी यहां पर क्या है हमारे पास, ग्रैंडफादर इज सिंगुलर तो हमारे पास होगा हैज। दूसरा पॉइंट याद रखे, जब भी आपके पास हैज हो और हैव हो, इसके बाद कभी फर्स्ट वर्ब नहीं होगा, कभी सेकंड वर्ब नहीं होगा, आपके पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, इसके बाद वर्ब आईएनजी भी नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग। अभी हमारे पास जो पॉइंट है यह हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब भी थ्री पीज आ जाए, कभी आपके पास क्या आ जाए थ्री पीज, तो थ्री पीज आपके पास हमेशा प्लूरल होंगे और थ्री पीज आपके पास कौन से है, पुली पीपल, पुलिस और पब्लिक। अभी यहां पर देखिए ये हमारे पास हमेशा क्या, हमेशा प्लूरल होंगे, तो हमारे पास होंगे पीपल इज आर वेटिंग, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा आर होगा, पुलिस इज आर सर्चिंग द एरिया, तो यहां पर आपके पास आर होगा इज नहीं होगा, तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आर सेकंड। नील आर्मस्ट्रांग वाज डैश फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, यस ओके। हमारे पास है यहां पर एक और है, ये आर्टिकल का जो है वो क्वेश्चन है और आर्टिकल के क्वेश्चन में अगर आप देखें, अभी यहां पर देखें हमारे पास आर्टिकल का टॉपिक है, तो हमारे पास यहां पर क्या है, जब भी आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो और आपके पास क्या है फर्स्ट आ जाए, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास है क्या, जब यूनिक चीजें हो आपके पास, यूनिक थिंग्स, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द यूनिवर्स, इसके साथ भी हम आर्टिकल द, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डैश ओल्डेस्ट चाइल्ड इन दैट फैमिली इज डैश टैलेंटेड म्यूजिशियन। हमारे पास जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो, वेन एवर यू हैव सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का इस्तेमाल होगा, और फिर यहां पर लिखा है म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन इज अ कॉमन नाउन, उससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश रिच शुड नॉट बुली द पुअर। हमारे पास अगर मैं यहां पर लिख लूं पुअर पीपल आर ऑनेस्ट बाय नेचर, अभी यहां पर ये नाउन है, अगर इस नाउन को मैं खत्म करता हूं और इस एडजेक्टिव को मैं सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, तो याद रखिए उससे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी। द स्टेम्स आर फ्रॉम डैश रिपब्लिक ऑफ चाइना। याद रखिए हमारे पास क्या है, जब भी आपके पास यूनाइटेड का लफज हो या रिपब्लिक का लफज हो, तो याद रखिए हमारे पास क्या, यहां पर आपके पास आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं लिखूं क्या, ही वेंट टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अभी यूनाइटेड का लफज आया है तो हमारे पास होगा आर्टिकल द, तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हमारे पास डिटेस्टेबल का मतलब क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको हम देखें तो हमारे पास क्या होगा यहां पर डिटेस्टेबल। अभी हमारे पास क्या है डिटेस्टेबल को अगर हम देखें तो हमारे पास इसके जो है वो डिफरेंट जो है वो क्या सिनोनिम्स आते हैं, तो सिनोनिम में आपके पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिनोनिम किसको कहते हैं और एंटोनिम हम किसको कहते हैं, कोई बता सकता है, एनीवन? यस जबरदस्त जबरदस्त।
हमारे पास सिनोनिम वो होते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग हो। एंटोनिम हमारे पास अपोजिट मीनिंग। अभी यहां पर देखिए, जो डिटेस्टेबल का मतलब होता है हेट, नफरत करना। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मैंने इसके कुछ सिनोनिम लिखे, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डिस्पेकेबल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर एक लफ्ज आया है होस्टाइल। देखिए, आपने टेस्ट के लिए जाना है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने इसके सिनोनिम एंटोनिम्स को पढ़ना है। आप जब सिनोनिम होंगे तो ऑटोमेटिकली उस लफ्ज का मानी ये होगा। फिर अगर आपने यहां पर लेट सपोज आपके एमसीक्यू में आया सॉर्डेड लफ्ज और इसका मतलब है सॉर्डेड मींस, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होगा या इसका मतलब ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि एक लफ्ज की वजह से आप दो तीन और लफ्ज अल्फाज जो है वो समझ जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहां पर होस्टाइल है तो होस्टाइल का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एडवर्सरी हो सकता है, हमारे पास नेगेटिव हो सकता है कोई बंदा, हमारे पास क्या हो सकता है। आपको अगर याद हो तो हमने एक प्रोटागोनिस्ट बताया था आपको, हम जब डिस्कस कर रहे थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग ड्रामा, तो उसमें मैंने आपको प्रोटागोनिस्ट का बताया था, जो मेन कैरेक्टर, जो विलन। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है, हीरो, जो उसका अपोजिट होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो नेगेटिव। यहां पर देखिए आपके पास इसका क्या होगा, अनफ्रेंडली आएगा। यहां पर जो ऑप्शन में है देखिए, एक बंदा जो नेगेटिव बातें आपके बारे में कहेगा, दैट इज क्या है, अनफ्रेंडली है ना, दैट इज नॉट अ फ्रेंड। अगर अच्छी बातें करेगा दैट इज अ फ्रेंड, नेगेटिव बातें करेगा अनफ्रेंडली है। एडवर्सरी, देखिए आपकी राइवलरी है, इवन राइवल भी यहां पर हो सकता है जो आपके साथ नहीं बनती किसी की, तो यहां पर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हमारे पास एक और लफज है कंफर्ट। कंफर्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास खुशी को कहते हैं, असकून को कहते हैं, हमारे पास किसी को दलासा देने के लिए हम कहते हैं, किसी को खुश करना। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके डिफरेंट मीनिंग आए। अभी यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वो कैबलरी को किस तरह करना है कि आपके पास अमूमन दो अल्फा सिनोनिम वो देते हैं, तो एक आपके पास जो होगा वो एंटोनिम होगा या कोई इसका मीनिंग होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, कंफर्ट, तो हमारे पास डिस्ट्रेस और टॉर्मेंट का एक ही मानी है, ऑलमोस्ट सिनोनिम है, तो ये ठीक नहीं हो सकते। आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का हमारे पास क्या मतलब है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है वो चीज जो कि ब्राइट हो। अनइक्विवोकल का मतलब आपके पास क्या, जो ब्राइट हो, जो क्लियर हो, जो के क्या, जो के वाजे हो। तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो ये आज का हमारा जो है वो डिस्कशन था एमसीक्यूज का। तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो अभी आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन यू हैव, आप पूछ सकते हैं। शाबाश।